सब्सक्राइब कीजिए शर्मा सॉफ्ट चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज मैं लेके आपके लिए संडे तड़का न्यूज, शर्मा सॉफ्ट न्यूज सर्वे, नवी न्यूज है इसमें आज। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले जाके सब्सक्राइब करें, रेड बटन दबाएं और साथ वाले घंटे दबाएं और वीडियो का मजा उठाएं। अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले न्यूज है यहाँ गूगल की तरफ से। गूगल कह रहा है कि वो लेके आएगा अपना नया वीडियो गेम यटी के नाम से। वो वीडियो कंसोल हार्डवेयर बहुत जल्दी आ जाएगा आप सबके घर में। देखते हैं कैसा रहता है ये वीडियो गेम। कह रहे गूगल क्रोम कास्ट वगैरह इसमें होगी, आप किसी भी डायरेक्टली वेब से अपने LCD वगैरह टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें नेट होगा उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। तो कैसा रहता है ये गेम कंट्रोल देखते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि भाई आपका क्या ओपिनियंस है इसके बारे में कि ये कैसा रहेगा और आना चाहिए नहीं आना चाहिए। बाकी कंसोल जैसे RTX वगैरह वैसे अब गूगल भी लेके आएगा। तो अगली न्यूज़ आ रही है यहाँ 5 की तरफ से, जो Redmi का 5 लॉन्च होने वाला 14 February को बहुत जल्दी ये अब लॉन्च होगा। MI की वेबसाइट नहीं, Flipkart पे भी लॉन्च होगा और जाके परचेज करें और बताएं क्या आता है ये Redmi का 5 या 5 Plus या आता है Redmi Note 5, मुझे ज़रूर बताएं। और आप अपने ओपिनियन बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि क्या आए, कमेंट ज़रूर करें इसके बारे में। तो 3 दिन रह गए, 14 February को आएगा ये न्यूज़ है क्वालकॉम की तरफ से। क्वालकॉम लेके आने वाला है अगले साल अपने 5G फ़ोन। नोकिया, सोनी, जिन भी कंपनियों में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज़ होता है उन सब में आएगा 5G। तो देखते हैं कैसा रहता है 5G। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं आपके क्या ओपिनियंस है इसके बारे में कि फ़ोन आए पहले या नेटवर्क। जैसे कि बात कर रहे हैं कि पुराने जो 4G फ़ोन हैं उन सबको आपको करना पड़ेगा वेस्ट, क्योंकि 5G फ़ोन जो नए हैं उनके लिए अलग प्रोसेसर अलग सेटअप होगा। तो 4G फ़ोन हो जाएगा आपके एकदम वेस्ट, उसमें 5G नहीं चलेगा। तो 5G फ़ोन लेने का आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएं कि आपके क्या ओपिनियंस है ये जान के इसके बारे में। तो अगली न्यूज़ है ये एप्पल की तरफ से। एप्पल कह रहा है 14 February वैलेंटाइन डे को लेके आएगा ये अपनी स्कीम। HDFC के कार्ड पे 6,000 से 8,000 तक का कैशबैक होगा। तो क्या रहेगा आपके ओपिनियंस मुझे जो बताए ज़रूर बताए कि iPhone 6 और iPhone 7 या SE वगैरह जो आप परचेज करना चाहते हो उनके आपको कैशबैक मिलेगा। आपके क्या ओपिनियंस है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Xiaomi की तरफ से Xiaomi लेके आने वाला है अपने थोड़े ही महीने में अपना नया फ़ोन MI 7 फ्लैगशिप फ़ोन होगा, जो कि अभी तक आपने देखा है MI 6 तक, अब MI 7 आएगा। देखते हैं कैसा रहता है MI 7, अब तक का MI का सबसे महंगा फ़ोन होगा ये। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपके क्या ओपिनियंस है इसके बारे में। तो अगली न्यूज़ आ रही है यहाँ Xiaomi की तरफ से। Xiaomi कह रहा है कि वो लेके आएगा अपने सारे पुराने फ़ोनों में UI अपडेट, 3S Prime, Note 3 जो भी ये फ़ोन थे यहाँ तक इन सब में आएगा UI 10 का अपडेट। तो मुझे ज़रूर बताएं MI UI 10 के अपडेट को सुन के आपको कैसा लगा, क्योंकि वो पुराने जो बाकी फ़ोन हैं कहीं ज़्यादा एंड्रॉयड उनमें नहीं आते अपडेट, जो मैशबॉल वगैरह के होते हैं वो अपडेट नहीं आते, मगर MI ने जैसा प्रॉमिस किया वो लेटेस्ट अपडेट भी अपने पुराने तक फ़ोनों में भी लेके आएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। न्यूज़ आ रही है LG की तरफ से। LG कह रहा है कि वो फ़ोन लाएगा LG V30S जो होगा 256 स्टोरेज के साथ, और जैसे कि Google लेंस, Bixby Vision वगैरह लेंसेज होते थे वैसे आएगा LG का भी एक नया लेंस। तो कैसा रहता है ये फ़ोन मुझे ज़रूर बताएं। 2018 में होएगा ये लॉन्च थोड़े टाइम में। इसमें कैमरे भी कह रहे हैं कैमरा बहुत अच्छा होगा इसके, और ये 18:9 ratio में ही आएगा। तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा इस सुनकर कि LG भी लेके आ रहा है अपना एक फ्लैगशिप एक और फ़ोन। VLC की तरफ से VLC यूज़र्स के लिए, जो VLC यूज़ करते हैं उसमें आ गया है 3.0 का अपडेट। तो उसमें आप कर सकते हैं क्रोम कास्ट और 360 वाली वीडियो भी देख सकते हैं, 360 डिग्री वाली वीडियो। ये सारे फ़ोनों विंडोज़ वगैरह सब के लिए आ चुका है। तो ये जाके इंस्टॉल करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये अपडेट कैसा लगा। उस MI की तरफ से MI लेके आ चुका है अपनी एक्सप्रेस डिलीवरी। एक दिन में डिलीवर करेगा अपने प्रोडक्ट्स जो आपके घर पे जहाँ भी आप मंगाते हो वहाँ डिलीवर हो जाएगी एक दिन के अंदर कंफर्म। तो MI ने लॉन्च कर दिया है ये इंडिया में ये सर्विस। तो बताएं मुझे कैसी है ये सर्विस अगर अभी तक किसी ने मंगाया है ऑर्डर किया है MI की ऑफिशियल साइट से कुछ। लास्ट न्यूज़ है ये सैमसंग की तरफ से। सैमसंग के आने वाले ईयरफोन होंगे जो सैमसंग लेवल इन ANC
ये वही कंपनी है जो सैमसंग S8 फोन के साथ दी थे ईयरफोन। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। इसका आपको कुछ प्राइस पड़ेगा ईयरफोन का 3799 का, बजट ईयरफोन है ये नॉइस कैंसिलेशन के साथ। तो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको पुराने S8 के साथ ईयरफोन कैसे लगे थे। वैसे ही कुछ होगा ये, तो ये आपके साथ इसकी फोटोज कुछ ऐसे हो गए ये ईयरफोन। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शर्मा सॉफ्ट चैनल को, और बने रहे हमारे साथ लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगली बार मैं लेके आऊँगा और ही अच्छी टेक न्यूज़ और सर्वे न्यूज़ जो आप देखना पसंद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।